राम राम जी आप सबको, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको स्वेटर का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है और बनाया भी बहुत अच्छा लगेगा। पहली चढ़ाई है बॉर्डर के बाद, पहले हम सारे फंदे सीधे बना लेंगे। पहली चढ़ाई है सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी सीधी ही चढ़ाई का डिज़ाइन है। सीधी उल्टी उतरेंगी ज़्यादा चढ़ाई। इसको आप बच्चे की कैप में भी डाल सकते हो, बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो ये डिज़ाइन। ऐसे ऐसे डिज़ाइन स्वेटर में भी अच्छे लगे हैं, और बच्चे का कार्डिगन में डालो तो वहाँ भी सही अच्छे लगेंगे। अब दूसरी सिलाई आ गई, ये सिलाई उल्टी उतार लूँ, पूरी उल्टी सिलाई है, दूसरी सिलाई है। अब ये दूसरी सिलाई उल्टी उतार ली। अब आ गई तीसरी सिलाई सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमने एक फंदा, ये हो गया हमारा सिलाई का पीछे धागा करके। अब तीन फंदे का डिज़ाइन बनाएंगे। तीन फंदे के हम तीन बना देंगे, एक लपेट के दो और एक तीन, फिर अगले फंदे के भी तीन, एक लपेट के दो फिर तीन, फिर अगले फंदे के एक दो तीन, तीन फंदे के मैंने तीन तीन फंदे करके नौ फंदे बना दिए। यहाँ छः फंदे बढ़ गए, ये बढ़े हुए फंदे हमें उल्टी सिलाई में घटा देंगे। फिर आगे तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब ये छः फंदे का डिजाइन है, छः फंदे के तो ये तीन फंदे के तो ये तीन बार तीनों फंदे पर तीन तीन बढ़ा दिए और तीन फंदे ये सीधे उतार दिए। छः फंदे हमने आगे बनाने हैं, एक तीन फंदे के तीन बनाने हैं, दो और एक तीन, आगे फिर एक लपेट के दो और एक तीन, फिर एक बार फिर एक दो तीन, तीन फंदे के बना दिए हमने। फिर आगे तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, दो डिजाइन हो गए। आगे फिर एक एक लपेट के दो और एक तीन, एक लपेट के दो और एक तीन, फिर एक फंदे पर और तीन फंदे बना लेंगे, दो और तीन, तीन डिजाइन हो गए। तीन डिजाइन तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन डिजाइन हो गए। आगे फिर अगला डिजाइन, फिर एक दो तीन, फिर एक बार फिर एक लपेट के दो और तीन, एक दो और एक तीन, तीन फंदे हो गए। फिर एक दो तीन, तीन फंदे ये हो गए। अब ये एक दो तीन चार, चार डिजाइन हो गए हमारे। ये तीसरी सिलाई है, ये सीधी सिलाई है, आगे बच गए हमारे तीन फंदे। अगर हमने ये वाला और डिजाइन बनाना है तो हम ये डिजाइन भी बना सकते हैं। इस कोने पे भी हमारा ये डिजाइन आ गया, इस कोने पे भी ये डिजाइन आएगा। तो एक लपेट के दो तीन, फिर एक लपेट के दो तीन। अगर आपने ये बनाना है तो ये फंदे जैसे तीन ज़्यादा मेरे, ये नहीं बनाना है तो ये बना के भी आप, मतलब ये डिजाइन यहाँ तक सेट हो गया। तीन बनाए डिजाइन के नौ फंदे बना दिए और आगे तीन फंदे ये आगे सीधे, तो इस तरह भी बना सको हो। अगर ये फंदे हैं और ज़्यादा तो आप इस तरह भी बना सको हो। वैसे डिजाइन ये छः फंदे का, अब एक डिजाइन की कमी होगी, एक फंदे की कमी होगी, हम एक फंदा बढ़ा लेंगे कोने वाला, तीन हो गए और एक फंदा इसमें तो बढ़ा लेंगे। ये बढ़ा लिया, उल्टा सीधा बनाओ, यहाँ उल्टा बना रखा है, यहाँ हम उल्टा बना लेंगे। अगर आपने स्लिप करना स्लिप कर लो। कई डिजाइन ऐसे हुए हैं, पूरे छः फंदे के हिसाब से बनाने पड़े हैं, कई डिजाइन ऐसे हुए हैं हमने जगह बदल के बनाने हैं, जो वो हम आधा डिजाइन भी बना सकते हैं। अभी ये तीन फंदे का हमारा आधा बन गया, आधा डिजाइन बनाने में भी हमारी सेटिंग पूरी बनेगी सही। अब ये तीन फंदे हैं जो हमने ये पीछे धागा करके तीन फंदे का एक कर देना है, जो बढ़ रहे हैं फंदे वो घटा देंगे हम। फिर आगे तीन फंदे का फिर एक कर देंगे, तीन बार करना हमने, तीन फंदे पर बढ़ाए हैं तो तीन फंदे पर हमने ये फंदे घटा देंगे, ये वापस घटा दिए हमने। फिर आगे तीन फंदे, एक
दो तीन, तीन फंदे उल्टे। अब यही छह फंदे बनाने हैं हमने, फिर पीछे धागा करके तीन फंदे का एक बना देंगे। हमने सीधी साइड धागा करके घटाने हैं ये, फिर तीन का एक बना देंगे, फिर तीन का एक बना देंगे। मतलब ये हमने गांठ गांठ सी बनानी है डिजाइन की, तो ये एक के तीन बना देंगे तो ये गांठ सी बनी हुई दिखेंगी, उबरा उबरा डिजाइन दिखेगा हमने। फिर तीन का एक, फिर तीन का एक, फिर आगे तीन का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो तीन। अब ये चौथी सिलाई है, उल्टी सिलाई है, पीछे धागा करके तीन फंदे का एक, फिर तीन फंदे का एक, फिर तीन फंदे का एक। फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो तीन, पीछे धागा करके तीन का एक, फिर तीन का एक, फिर तीन का एक, अपनी तरफ धागा पीछे धागा करके तीन का ये फंदा हमने कोने वाला दोनों तरफ से उल्टी में भी सीधी में भी उल्टा बना रखा है। अब ये चार सिलाई होगी, चार होगी, आगे फिर पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई में हम सारे फंदे सीधे बना देंगे, एक दो तीन, और ये फंदे भी तीनों, एक दो तीन। अब ये छह फंदे बना दिए, यही छह फंदे हमने आगे बना देने हैं। मतलब ये सिलाई हमारी सारे फंदे सीधे बनाएंगे, पांचवी सिलाई है ये, सारे फंदे सीधे बना लेंगे। कोने वाला फंदा उल्टा, ये पांच सिलाई होगी। देखो गांठ गांठ सी कितनी सुंदर लग रही है। अब आ गई छठी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब छठी सिलाई में फिर हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये छह सिलाई उतार दी, देखो पिछली साइड से हमारा इस तरह डिजाइन दिख रहा है, और सीधी साइड से देखो कितना अच्छा लग रहा है, गांठ गांठ सी छह सिलाई होगी। अब सातवीं सिलाई आ गई। अब हमने किस तरह बनाना है सातवीं सिलाई में, ये फंदा उल्टा। अब ये तीन फंदे हम सीधे बना देंगे, पहले हमने इन तीन पर डिजाइन डाल लिया था, अब ये सीधे बना देंगे, इन तीन पर डिजाइन डाल देंगे। एक फंदे के तीन बना देंगे, एक लपेट के दो और एक तीन, फिर एक लपेट के दो और एक तीन, फिर एक लपेट के दो और एक तीन। अब यही छह फंदे बनाने हैं, एक बार इन तीन पर बना देंगे, एक बार इन तीन पर बना देंगे। आगे फिर एक दो तीन फंदे सीधे, फिर एक लपेट के दो तीन, फिर एक लपेट के दो तीन, फिर एक, एक लपेट के दो और एक तीन, फिर आगे ये तीन फंदे सीधे, फिर इन तीन फंदों पर एक लपेट के दो तीन, एक लपेट के दो तीन, फिर एक लपेट के दो तीन। आगे ये तीन फंदे, एक दो तीन, फिर अगले फंदों पर एक लपेट के दो और तीन, एक लपेट के दो और तीन, एक। आप इसको ये लपेट के बना रही हूँ मैं, इस तरह बनाना चाहो अपनी तरफ धागा करके यूँ बना लो, जिस तरह आपको आसान लगा यूँ बना लो। अब ये तीन फंदे हम सीधे बना देंगे।
कोने वाला गोटा। अब आ गई आठवीं सिलाई। अब आठवीं सिलाई में फिर हमने, फिर देखो आठवीं उल्टी सिलाई आ गई, ये फंदे तीन हम गोटे बना लेंगे। और जो एक फंदे के तीन तीन बना रखे इनको हम धागा पीछे करके सीधे बना देंगे, तीन का एक, फिर तीन का एक। अब ये आठवीं सिलाई है, गोटी सिलाई है, फिर तीन का एक। अब यही छह फंदे बनाने हमने, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर पीछे धागा करके तीन का एक, एक फिर तीन का एक, फिर तीन का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो तीन, फिर पीछे धागा करके तीन का एक, फिर तीन का एक, फिर तीन का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो तीन। बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। फिर तीन का एक, फिर तीन का एक, फिर तीन का एक, अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे और कोने वाला भी उल्टा। अब ये आठ सिलाई होगी और आठ सिलाई का हमारा देखो कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है, एक डिजाइन हो गया। यही आठ सिलाई हमने बार बार बनानी है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।